लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बिजुआ क्षेत्र के तमाम पंचायत सहायकों ने ग्राम प्रधानों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार व समय से मानदेय न मिलने के संबंध में ब्लॉक परिसर में ब्लॉक का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन कर ऑडियो पंचायत को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि विकासखंड बिजुआ की कई ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के द्वारा पंचायत सहायकों को बिना किसी कारण बेवजह परेशान किया जा रहा, उनका मानदेय भी समय से नहीं दिया जा रहा। रक्षाबंधन का पर्व निकट है, फिर भी अभी तक कोई पंचायत सहायकों का मानदेय पिछले 5-6 महीनों से नहीं दिया गया। ग्राम प्रधान जहानपुर दिनेश कुमार पर आरोप लगाए कि बीते 26 अगस्त दिन शनिवार को ग्राम पंचायत जहानपुर में तैनात ग्राम पंचायत सहायक सचिव सरन श्याम 5:39 सचिवालय को बंद करके घर जा रहे, तभी रास्ते में ग्राम जहानपुर के ग्राम प्रधान दिनेश कुमार ने संजीव सरन को बेवजह गाली दी, मारपीट करने लगे। आरोप है पूर्व में कई बार प्रधान दिनेश कुमार के द्वारा पंचायत सहायक संजीव सरन को जान से मारने, नौकरी से निकालने की धमकी दी। पीड़ित संजीव सरन पंचायत सहायक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़ित संजीव सरन का मानदेय भी पूर्व 6 माह से नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत जहानपुर दिनेश कुमार ने बताया, जितने दिन कार्य किया उसका पेमेंट उनके खाते में आ चुका। जो आरोप हम पर लगाए गए वो निराधार है। उनका 11 महीने का अनुबंध था जो कि पूरा हो चुका है। प्रार्थना पत्र कोतवाली पुल बेहड़ में दी गई जो कि निराधार। उच्च जांच होगी, जो भी दोषी होगा सजा मिलेगी। इसको लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो पंचायत सहायक द्वारा वीडियो वायरल हुआ है वो वायरल हुआ है तो सही हुआ है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले अपने जो है भाई को भेजा था पंचायत भवन में सभी लेबरों का भुगतान लगाने के लिए, जो डोगर लगना था। और इन्होंने जो आरोप लगाया है मेरे ऊपर कि मेरा मानदेय नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इनका कहना ये भी है कि कहीं कहीं से कोई ये मामला आए दिन प्रधानम को प्रताड़ित करते, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं किस तरीके से प्रताड़ित करता हूँ? देखिए, उनका 11 महीने का अनुबंध था, 11 महीने का मैंने भुगतान कर दिया, कोई समस्या नहीं है। अब इस समय क्या काम पर वो नहीं है? देखिए, अभी उन्होंने अनुबंध अपना जारी नहीं करवाया है। पंचायत की समिति अभी इस पर विचार करेगी, खुली बैठक बुलाएंगे। कितने महीने हो गए अनुबंध पत्र जारी नहीं करवाया? और 1 साल हो रहा है। एक साल हो जी। तो इसमें अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधानों की आजकल कहीं कहीं छोटी मोटी कमियां निकल रही हैं, और उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कमियां कोई प्रधान अपनी पंचायत में ये कहना करना नहीं चाहेगा कि मैं वो बना है पंचायत के अपनी जनता का कार्य करने के लिए। अब उसको विपक्ष जो है ज़्यादा हाई फाई में उठाता है। प्रधान पूरी ताकत लगाता है अपनी ग्राम पंचायत के विकास कार्य के लिए, उसके ऊपर फिर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, क्योंकि प्रधान पद ही ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता ही रहता है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा मारपीट वाला मामला, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है? देखिए, वहाँ पे मैं खड़ा था संजीव सरन को अपने पंचायत सहायक से, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए आप पंचायत भवन खोल दीजिएगा। उसमें साफ साफ वीडियो में जाहिर हो रहा है कि मैं उनको समझा रहा हूँ। पंचायत भवन खोलने का समय क्या है? सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, जो उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री द्वारा किस समय उन्होंने बंद कर दिया था? ये उन्होंने 4:30 बजे बंद किया है। 5:45 पर मैं इनके घर पर पहुँच गया था। मैंने कहा भाई खोल दो, ये पेमेंट लग जाए। किस चीज़ का पेमेंट लगना था? मानदेय लगना था मेरा, इनका तो मैं लगा ही चुका था कई दिन पहले। मेरा मानदेय लगना था, लेबरों का भुगतान लगना था, खड़ंजे का भुगतान लगना था। फिर उन्होंने क्या कहा? नहीं खोला। सर, क्या है आप यहाँ? हम ग्राम पंचायत जहानपुर में पंचायत सहायक के पद पर तैनात हैं। तो क्या है मामला, क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं? प्रधान ने हमको कई बार धमकी भी दी है, और सैटरडे को 26 तारीख को मेरे घर पर 2 गाड़ियों सहित, दबंगों सहित आया और घसीट कर मेरी बहुत पिटाई की, बहुत मारा मुझे, जान से मारने की धमकी दी है। बोला है तुम्हें मार जरूर डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या मांगे हैं आज आपकी? हमारी मांगे हैं कि प्रधान को हमसे माफ़ी मांगे। प्रधान माफ़ी मांग के जाए, यहाँ लिखित में दे, भविष्य में ऐसा हम लोगों के साथ कभी ना हो। क्या नाम है प्रधान? दिनेश कुमार, BJP अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष।